ठीक है अनुषा, ये कीमा था जो कि आलू कीमा हमने बनाया था और उसमें से आलू हमने सबने चट कर लिया, कीमा इतना रह गया है। अभी ऐसा है कि ब्रेड से खा के खत्म भी कर सकते हैं, बट आई जस्ट थॉट कि चावल भी रखे हुए थे फ्रिज में उबले हुए, बिल्कुल जो है वो ऐसे ही रखे हुए थे, दाल चावल के साथ काफी सारे मैंने उबाल लिए थे। तो अब मैं स्पाइसी गार्लिक फ्राइड राइस बनाऊंगी और उसमें मैं ये कीमा भी ऐड करूंगी, चावल भी ऐड करूंगी, साथ में मैंने थोड़े से लहसुन को चॉप करके रखा हुआ है, हरी मिर्चे, हरा धनिया, सिरका और ब्लैक पेपर पाउडर। That's it. ठीक है जी, सिलसिला यहाँ पे शुरू करते हैं। आज हम अगर बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं, औरत होने के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर बता दें कि पाकिस्तान में जो है तकरीबन आपकी जो आधी पॉपुलेशन है, आवाम है, आबादी है, वो औरतों की ही है। अगर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए, एक्चुअली हाफ से भी ज़्यादा, कहते हैं कि 60% लगभग 60% जो है इस मुल्क की जो आबादी है उसमें औरतें ही हैं। अगर उनको काम करने की इजाज़त दी जाए, तालीम हासिल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो हम पाकिस्तान, हमारी दुनिया जो है पाकिस्तान में वो बदल सकती है, हमारी जो छोटी सी दुनिया है, बिल्कुल मुल्क बदल सकता है, तरक्की की तरफ जा सकता है, तरक्की याफ्ता भी हो सकता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। और हम शायद ये समझते हैं कि तालीम हासिल करना या काम करना हमारी लड़कियों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उनका जहन बहुत ज़्यादा खुल जाता है, लेकिन देखें, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक वल्गैरिटी और मॉडर्निटी और प्रोग्रेसिवनेस, ये अंग्रेजी के सारे लफ्ज़ हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है, कुछ अलग ही चीज़ है। जो लड़कियाँ हमारी डॉक्टर्स बनी हैं, जो हमारे एयरफोर्स में काम करती हैं, आर्मी में काम करती हैं, मेरे आंखों के आगे उनसे ज़्यादा इज्जत किसी और का मैंने शायद दे नहीं, और हमेशा वो इज्जत से, इतने तमीज से, पढ़ाई लिखाई से इतना काम करती है, मेहनत से करती है, क्योंकि उनको पता है कि वो एक औरत है, उससे अपनी जगह बनानी है, तो वो मजीद उस पर काम करती है। ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके यहाँ भी अगर बेटे ही हो जाए तो वो तो अच्छा, ये तो है, मैं तो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को जानती हूँ जहाँ पे तीन बेटियाँ हो गई हैं तो वो परेशान हो गए कि बेटा नहीं हुआ, परेशान। ये जो एक विरासत वाली चीज है ना कि नहीं बेटा, बेटे को हम जायदाद देंगे और वो नस्ल चलाएगा, देखें आपकी नस्ल, इमेजिन करें पूरी जिंदगी चलती रही और आपका बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ हुआ और सारे गलत कामों में हुआ और उसको देख के लोग बोलते हैं अरे ये उस फैमिली से, आपको वो अच्छा लगेगा या आपको अच्छा लगेगा कि बेशक दो ही बच्चे हों, लड़कियां हों और उन्होंने आपकी जितनी भी जायदाद थी उसको किसी अच्छे से बिजनेस में लगा के आपको फखर का बायस होगा वो आपके लिए। तो ये कभी ना सोचे लड़की कर रही है, लड़का कर रहा है, काम वो कैसा कर रहा है, क्या काम कर रहा है, उससे आपको फखर हो रहा है या नहीं, सिर्फ ये मैटर करता है, ये जरूर मैटर करता है। और ये भी हमेशा देखें कि लड़का हो या लड़की हो, सेहतमंद हो, अल्लाह मियाँ की तरफ से आपका बच्चा, आपको मुबारक हो और हम उसको प्यार करें, बेशक चार लड़के हों आपके घर या चार लड़कियाँ हों, एब्सोल्यूटली बस वो एक इंसान है उसके साथ जरूर। बाजी जी, मैंने ये देखा है कि ना जैसे बेटी पैदा होती है ना तो जो मर्द होता है वो कार चले जाते हैं कि जी बेटी हुई है, और अगर बेटा होता है तो मिठाइयाँ बिठाते हैं, मिठाइयाँ बट रही है जी की हाँ हमारे यहाँ बेटा हुआ है, तो बेटी इतनी पूरी थोड़ी होती है। हम जी पता है इसमें इन तमाम कहानियों में अच्छी बात यह है कि शायद ये चीजें ऐसे ऐसे बदल, बिल्कुल बदल, कल तुम्हें काम करने की शायद इजाजत नहीं होती, आज तुम अपना घर चलाती हो, आयशा काम करती है, उसका शोहर उसको काम करने देता है, उसके माँ बाप उसको काम करने देते हैं। बाजी जी, ये बहुत कम घरों में होता है, आपके अम्मा बाप भी, लेकिन पहले शायद इससे भी कम घरों में होता होगा, इससे भी कम घरों में। देखो तरक्की दुनिया में किसी भी चीज़ में हो वो आहिस्ता आहिस्ता ही होती है, ठीक है। तो अब ये हमारी दुआ है कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी अभी अपनी बेटी को बोला कि नहीं नहीं जॉब नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो थोड़ा सा माइंड चेंज करें, करके उसको चांस दें। वैसे भी कहते हैं हर इंसान को एक चांस देना चाहिए, फिर आप ही होंगे जो फखर करेंगे अपनी बेटी पे। और यहाँ पे हम फखर इस बात पे कर रहे हैं कि हमने एक टेक्निक निकाली है बची हुई चीजों को जरा सही करने की, ठीक है। अनुषा, ये वो कीमा है जो कि हमने गार्लिक में मिक्स कर लिया, गार्लिक में मिक्स कर लिया, मैंने ऑयल लिया एक कप के बराबर और उसमें मैंने चॉप गार्लिक बहुत सारा ऐड किया। क्यों? क्योंकि जब चावल फ्रिज में रखे रहते हैं ना तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो स्मेल को कम करने के लिए हमने चॉप लहसुन बहुत सारा ऐड करना है, और ये वो कीमा है जिसमें हमने बिहारी मसाले में इसको पकाया हुआ था आलू के साथ, वो ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें कोई मिर्च मसाले ज्यादा शामिल नहीं करी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हम इसमें सफेद सिरका ऐड करेंगे, और ये ऐड करने की खास वजह है, मैं यूजुअली व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अपनी रेसिपीज में नहीं करती, लेकिन जब खाना थोड़ा सा खराब नहीं एक दिन पुराना हो जाए तो सिरके से क्या होगा कि उसमें वो एक हीक हमक भी इसको कहते हैं वो कम हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चॉप्ड हरी मिर्चें हम ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक है। और अब मैं इसमें ये चावल ऐड करके इसको मज़ीद करूंगी।
देयर यू गो. और लड़कियों की एक और खास बात यह है कि माशाल्लाह सारे काम कर सकती हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस बड़ी होती हैं कि किचन तो चलाना आना चाहिए लड़की को, है ना. मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें एक हद तक गलत हैं, ये हर हद तक गलत है. इसलिए अनुषा मैं बात तुम्हें बताऊं, मैं बिल्कुल इसलिए खाना नहीं बनाती क्योंकि मैं एक लड़की हूं और मुझे बनाना चाहिए. इनफैक्ट तुम्हारी सास बहुत खुश होंगी कि हमारी बहू तो खाना बना लेती है. वेल मेरी सास इसलिए भी खुश है क्योंकि उनके अपने बेटे जो है वो खाना बना लेते हैं, बिकॉज ही इज आल्सो अ शेफ. और मेरी मेरे हस्बैंड लमान से हमेशा यही बात होती है, वो हमेशा ये कहता है कि देखो अगर तुम खाना इसलिए बना रही हो, मैं कभी घर आऊं तुम्हारे औरत हूं नहीं और तुम्हें बीवी हो, अगर तो तुम इसलिए बना रही हो कि तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम कुछ अच्छा सा मेरे लिए बनाओ, वेरी नाइस. लेकिन अगर तुम इसलिए बना रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें करना फर्ज है, प्लीज. बिल्कुल सही है. एक हफ्ते में वो मेरे लिए कुछ बना के लेके आता है और फिर अगले हफ्ते मैं उसके लिए कुछ बनाती हूँ. जबरदस्त, तो ये भी ठीक है. और इन्हीं चीज़ों के आज हम हमारे से बात कर रहे हैं कि लड़कियों के हुकूक, बेटी होना आज के माशरे में, हमारे माशरे में, पाकिस्तान में 2017 में कितनी हम कहानियाँ वैसे सुनते हैं. और हमारे नॉर्थ से तो ऐसे बड़ी कहानियाँ आती हैं जहाँ पे लड़कियों को वाकई में घर से निकलने की इजाज़त नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. किसी को बुरा भला कहे बगैर, क्योंकि जब मैं नॉर्थ गई थी तो मैंने उनके रस्म व रिवाज देखे थे और वहाँ पर मुश्किल था वाकई में. एक लड़के ने मुझे कहा था अगर मैं अपनी बीवी को काम करने दूँ तो मेरे मोहल्ले वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरे दोस्त यार जो हैं वो मुझे अपने जो कबीला है उसे बाहर कर देंगे कि तुमने अपनी बीवी को काम करने दिया. सोसाइटी की शादी 16 साल में हो गई थी और उसने अपनी बीवी का कभी चेहरा उससे पहले देखा नहीं था. तो मेरे से बात हो गई, अब वो मुझे देखे हैरान कि कौन है और क्या आ गई है, कैमरा लेके कपड़े देखो, हाल देखो. तो हमारी दोस्ती हो गई क्योंकि हम 6-8 दिन साथ थे. तो कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने से बहुत फ़र्क पड़ता है. सिर्फ लोगों को समझाने की बात है और इसीलिए मेरे ख्याल से टेलीविज़न वगैरह ये अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि हम लोगों को सिखाएँ और समझाएँ. अब जिसने बदतमीज़ी करनी है, जिसने कुछ आगे करना है, तो वो तो शादी करने से रोकते हैं, यहाँ से रोकते हैं, वहाँ से रोकते हैं. तो हमारे यहाँ लोग ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं, ज्यादा छुप छुपा के सारे काम होते हैं, ऐसा ही होता है. एक चीज होती है रिबाउंड इफेक्ट. मैं तुम्हें जितना बोलूंगी ना अनुषा ये मेरा किचन है तुम इसमें खाना नहीं बना सकती, फॉर इंस्टेंस तुम्हारा दिल चाहेगा. और अगर मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल आओ मदद कराओ तो तुम इसको नॉर्मली लोगी. तो ये इंसान की फितरत है, अगर आप उसको रोकेंगे तो. और ये मैं एक्चुअली एक रिसर्च भी पढ़ रही थी कि वो खवातीन, वो लड़कियाँ जो कि पाकिस्तान में घर से जिसको कहते हैं भाग की शादी की, वो होती हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की होती. उनमें से मेजॉरिटी वो होती हैं. चले जी, कोई एस्केप नहीं होता उनके पास. अच्छा यहाँ पे चावल हमारे बन चुके हैं, हरा धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है. और मैं करूँगी ये कि इसको सर्विंग का तरीका इसका बड़ा एक प्यारा सा है, ठीक है. वो ये है, फ्लेम हम कर देंगे बंद बिकॉज दिस इज ऑलरेडी, ठीक है. और एक हम लेंगे बोल, उसमें हम ऐड करेंगे. हाँ जबरदस्त, इसमें गार्लिक का भी एक टेस्ट आएगा मजे का. और ये कुछ चाइनीज राइस की तरह भी चाइनीज राइस की तरह है ना. इसको आप एज इट इज भी खा सकते हैं. अक्सर लोग चिली कीमा है ऑलरेडी, हाँ मीट भी है इसमें. और जब बिहारी कीमे का अपना बिहारी बिहारी फ्लेवर आएगा ना तो यू वुड लव इट. नाइस, हम इसको प्रेजेंटेशन यस ऐसे सर्व. अच्छा अब हम ये करेंगे सही कि ये हमारे पास है केचप, ठीक है. ठीक है तो केचप को हम रखेंगे इस तरह से. हाँ जी. एंड एक ब्रश उसकी मदद से यूं. वाओ. एंड मतलब कि बच्चे कुछ खाने से हमने तो ऐसा ऐसा खाना बना दिया जैसे कि दावत कोई. और ये वो केचप लोग खा रहे तो उनके लिए ये लिटरली वो केचप है अनुषे जो कि आप मेहमानों के लिए बोल में निकाल तो देते हैं मगर उसको वापस उस बॉटल में रखना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम लगता है. मुश्किल काम है. हाँ अच्छा सही है, बिल्कुल सही कह रही हो. यस हाँ नाइस प्रेजेंटेशन इज डन. हरी मिर्च आपको पूरा मील है. यस अच्छा मुझे थाईलैंड की कहानियां याद आ रही है क्योंकि जब मैं फारिस जाती हूँ उसमें ये पूरा मील होता है. हमें लगता है इसमें सालन और कड़ी नहीं है, चिकन ऑलरेडी कीमा ऑलरेडी अंदर ही है ना. हाँ सारी चीज़ें मिली हुई हैं. एक और भी काम कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ अनुषे कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी खाने में कि वो सुगढ़ापा तब तक दिखता नहीं है जब तक चावल अलग अलग दाना 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 दाना. अगर आप चाहें तो चावल को थोड़ा सा मजीद लाइक सॉफ्ट करके जब आप वो खाएंगे तो फिर आपको उसके साथ किसी सालन की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा गीला गीला लगेगा.
ठीक है, जब बात ये कर रहे थे ना इन चीज़ों के बारे में जी, मुझे तो कुकिंग आती है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. बिजली पता नहीं कहाँ है, शायद उसका मूड अभी तक ख़राब है. वैसे उसके वो कौन है, किसी को बुलाऊँ?